इधर इंदौर में महिला से लूट की कोशिश की गई। बाइक सवारों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की और ये घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने दो आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने लूट की 15 वारदातों को कबूला है। देखिए, महिला सड़क पर गिर गई लेकिन उसका पर्स उसके हाथ से नहीं छूटा। बदमाशों ने महिला से पर्स छीनने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। तो बाइक सवारों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की, लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इन आरोपियों ने पूछताछ में 15 वारदातों को कबूला है। तो देखिए, हौसले किस कदर बुलंद हैं इन बदमाशों के। दिन दहाड़े बीच सड़क पर महिला से लूट की वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे लेकिन महिला ने अपने पर्स को नहीं छोड़ा, जिसके चलते वह सड़क पर गिर गई लेकिन इनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। इस फुटेज के आधार पर पुलिस भी हरकत में आई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इन्होंने 15 वारदातों को कबूला है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, कब की एक घटना है जिसका वीडियो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। महिला ने पर्स नहीं छोड़ा और बदमाशों के मंसूबे नाकाम रहे। बिल्कुल शुभांगी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये पूर्व की वारदात का पूरा घटनाक्रम है, जिसमें जो महिला है वो विजयनगर पर निकल कर जा रही थी और उसी दौरान जो बदमाश जो बाइक सवार आरोपी है वो वहां पर पहुंचे और उसके साथ महिला से जो पर्स है वो छीनने की कोशिश की और उस दौरान जो महिला ने पर्स नहीं छोड़ा और वो नीचे गिर गई, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है। जब पुलिस को पूरे मामले के बारे में पता लगा, उसके बाद पुलिस लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कुछ एक बदमाश है जो हथियार लेकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ग्रोह बनाकर बैठे हैं और उसी दौरान जब विजयनगर पुलिस है वो वहां मौके पर पहुंची और जो चार आरोपी थे इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि जो दो आरोपी थे वहां से भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल जो पुलिस है इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जब पूछताछ की गई तो इन्होंने पूर्व में भी 15 वारदातों को कबूला है, जिसमें एक ये महिला के साथ सीसीटीवी की वारदात को भी कबूला है। उसके बाद इन्हीं आरोपी की पूछताछ करने के बाद जब ये मौके पर पहुंचे और उसके बाद जब सीसीटीवी तलाशा पुलिस ने और उन आरोपियों के खिलाफ अब महिला के साथ पर छीनने से के तहत और अन्य प्रकरणों में प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। चलिए, धन्यवाद अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने 15 वारदातों को कबूला है। इससे पहले भी वे कई लोगों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक महिला के साथ इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी, उस दौरान लिया गया था और इस आधार पर ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।